अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर शिराजी, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आपको ऐसे मर्ज के बारे में बताऊंगा जिन नौजवानों को मुश्त जाने की, बैड हैबिट्स की, मास्टरबेशन की लत लग गई है, उसके उनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स मिल गए हैं, शादी नज़दीक है, कतरा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो इसके मतलब मैं आज आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगा जिसके आपको नतायज मिलेंगे, साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे और एनर्जी फिर से बहाल हो जाएगी और ये आदत भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। शुरुआत से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कर दें, ताकि मैं जैसे ही न्यू पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। डियर फ्रेंड्स, मास्टरबेशन एक बहुत ही बुरी आदत है आजकल नौजवानों में, सोशल मीडिया इंटरनेट की गलाजत की वजह से ये लड़कों में बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। तो इस मर से जो अगर आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर इस तरह के रब्ता करते हैं, तो सोचा एक आपके लिए वीडियो बना दूँ, मेडिसिन भी बता दूँ। ऑलरेडी पहले भी बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इस मर्ज के लिए रेक्स 43 ड्राप्स हैं मेरे पास, इसके अलावा रेक्स 72। मुश्तजनी के साइड इफ़ेक्ट्स, बद असरात और जो कमज़ोरी वगैरह हो गया, नसों में कमज़ोरी का पड़ जाना, इन सारे मराज को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। इनमें कौन कौन सी मेडिसिन ऐड की गई है? एग्नस कास्टस, डामियाना, जिनसिंग, सिलीनियम, स्टेफिसैग्रिया, बुफोराना, क्लैडियम, सेलेक्स नागरा और स्टेफिसैग्रिया, ये सारी मेडिसिन इन दोनों में ऐड की गई हैं। होम्योपैथिक की शॉप से ये ड्राप्स आपको मिल जाएंगे, कहीं से नहीं मिल रहे तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल कुछ ऐसे है कि 20-20 कतरे दोनों के एक ही नीम गर्म पानी में दोनों हमरा आप डाल सकते हैं, खाना खाने से पहले ले लें या खाने के 1 घंटे बाद आप इस्तेमाल करें, और अस्तगफार का जिक्र ज़्यादा किया करें। इंशाल्लाह आपकी ये आदत जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही तो मुझसे मंगवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो नोट कर लें, 03157100024। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।